न्यू ईयर एंड न्यू फंड ऑफर्स आई गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल सेंट्री शाला आपका वेल्थ पार्टनर माय माय नेम नेम इज इज अनुज एंड अंजलि और जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू ईयर एंड न्यू फंड ऑफर्स आज हम बात करने वाले हैं जो इस जनवरी 2024 में जितने भी एन चल रहे हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी ने कौन कौन से एन लॉन्च किए हैं जो तीन एन जिसके हम बात करने वाले हैं जो न्यू फंड ऑफर्स हैं वो हैं डीएसपी मल्टी कैप बंधन मल्टी एसेट एंड मेरे एसेट मल्टी एलोकेशन फंड चलिए इन तीनों के बारे में समझते हैं लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एक एन होता क्या है जब सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट्स को बेचती है इन्वेस्टर्स को उसको हम एक एन बोलते हैं एन एफ लॉन्च होता है उसकी ओपनिंग डेट होती है क्लोजिंग डेट होती है पंद्रह पंद्रह दिन के लिए जनरली एन एफ ओपन होते हैं और इस दौरान जिस भी यूनिट्स एक इन्वेस्टर्स को बेची जाती हैं सबसे पहले दस रुपये की एन फंड स्टार्ट होता है उसको हम न्यू फंड ऑफर बोलते हैं और अब देखते हैं अभी कौन कौन से एन चल रहे हैं जनवरी में तो जैसे कि मैंने आपको बताया डीएसपी मल्टी कैप बंदन मल्टी एसेट एंड मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन चलिए तीनों की बेसिक डिटेल्स को देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी मल्टी कैप फंड की जिसकी ओपनिंग डेट है एटथ जनवरी 2024 और क्लोजिंग डेट है ट्वेंटी सेकंड जन टू इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव स्कीम का है टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रीसिएशन फॉर्म अ पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब एक मल्टी कैप फंड में अक्रॉस मार्केट कैप्स में पैसा जाएगा इसमें इसमें आपका 25 परसेंट लार्ज कैप में जाएगा 25 परसेंट मिड कैप में जाएगा और 25 परसेंट मिनिमम स्मॉल कैप में जाएगा सो so, इतना तो मिनिमम इन तीनों कैप्स में जाना ही चाहिए इसके बाद फंड मैनेजर जो भी एलोकेशन करेगा वो कर सकता है अब बात करते हैं बंधन मल्टी एसेट फंड की इसकी बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं ओपनिंग डेट इजेंथ जेंट टू थाउजेंड 24 so, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मल्टी एसेट बंधन मल्टी एसेट मतलब तो इसका है अब करते हैं मेरे एसेट मल्टी एलोकेशन 2024 टू ट्वेंटी ओपन है और स्कीम के ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रीसिएशन फ्रॉम पोर्टफोलियो ऑफ एक्विटी डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्ड ई सिल्वर ई एंड एक्सचेंज ट्रेडेड एक्विटीज़ सो जो मेरे मल्टी एसेट अलोकेशन फंड है जैसा कि हमें नाम ही बता रहा है वो इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है डेट में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है मनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है और कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही है कमोडिटीज़ में, 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 में आपका गोल्ड भी आ रहा है सिल्वर भी, भी आ रहा है और कमोडिटीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए एक डेडिकेटेड फ़ंड मैनेजर भी इसमें होगा तो जब आप फंड मैनेजर की डिटेल्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा आगे की डिटेल्स हम अंजलि से ओके तो फंड मैनेजर की बात करते हैं uh, तो डीएसपी मल्टी कैप के फंड मैनेजर इक्विटी पोर्शन के चिराग दागली इंटरनेशनल पोर्शन के जे कोठारी बंधन मल्टी एसेट में इक्विटी पोर्शन हैंडल कर रहे हैं मिस्टर विराज कुलकरानी मिस्टर देलिन पिंटो एंड निमिश छेठ डेट पोर्शन को हैंडल कर रहे हैं मिस्टर गौतम कौल ओवरसीज पोर्शन को हैंडल कर रही है मिस रितिका बेहरा इक्विटीज के एंड मिस्टर श्रीजीत बाला सुब्रमण्यम हैंडल कर रहे हैं डेट पोर्शन मेरा ही एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसमें मिस्टर हर्षद इक्विटी पोर्शन हैंडल कर रहे हैं डेट पोर्शन हैंडल कर रहे हैं मिस्टर अमित मोदानी एंड मिस्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स में मिस्टर रितेश पटेल अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रुपीज़ से स्टार्ट होती है बंधन की भी रुपीज़ से स्टार्ट होती है एंड मेरे ही एसेट की फॉर एन एफ ओ एंड ऑन गोइंग ऑफर पीरियड फाइव थाउजेंड और अगर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो डी एस पी मल्टी कैप का एग्जिट लोड निल है बंधन मल्टी एसिड का भी निल है एंड मेरे ही मल्टी एलोकेशन का वन परसेंट चार्ज है इफ़ रिडीम्ड विद इन वन ईयर की मीडियम में बात करते हैं तो डी एस पी मल्टी कैप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है बंधन मल्टी एसिड हाई रिस्क है एंड मेरे ही मल्टी एसिड एलोकेशन वेरी हाई रिस्क स्कीम टाइप की बात करते हैं तो डी एस पी मल्टी कैप जो है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है विच इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स सो बंधन मल्टी आसेट की बात करते हैं तो एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि इन्वेस्ट कर रही है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ एंड गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। मेरे मल्टी आसेट की बात करते हैं तो एक ओपन एडिड स्कीम है जो इक्विटी डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रोमेंट्स में इन्वेस्ट कर साथ ही साथ गोल्ड ई सिल्वर ई एंड एक्सचेंज कमोडिटी में तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जिसको अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप डीएसपी मल्टी कैप फंड के साथ जा सकते हैं जब आपको एक्सपोजर लेना है डिफरेंट मार्केट कैप्स का यानी कि आपको पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी चाहिए आपको मिड कैप भी चाहिए और आपको स्मॉल कैप भी चाहिए तो आप डीएसपी के मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बंधन मल्टी एसेट फंड एंड मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दोनों बहुत ही सिमिलर फंड्स हैं और दोनों को ही दोनों में ही जो पोर्टफोलियोज हैं वो एक्विटी के भी हैं डेट के भी हैं और आपका गोल्ड भी उसमें आ रहा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहा है तो दोनों का पोर्टफोलियो भी बहुत सिमिलर है सो इफ एन इन्वेस्टर वॉन्ट्स टू टेक द एक्सपोजर ऑफ एक्विटीज डेट कमोडिटीज़ एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तो वो बंधन मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और मेरे के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है बंधन मल्टी एसेट फंड और मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दोनों में एक स्लाइट सा डिफरेंस ये है कि जब हम रिस्कोमीटर चेक करते हैं तो वो हाई बंधन जो मल्टी एसेट फंड है वो हाई रिस्क पे है और मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वेरी हाई रिस्क पे है सो सेम पोर्टफोलियोज़ हैं ऑलमोस्ट बट रिस्कोमीटर में हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क का डिफरेंशिएशन दिया गया है जस्ट बिकॉज जो मेरे का मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड है उसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी यूज़ हुए हैं तो डेरीवेटिव इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है बट फंड मैनेजर्स जो हैं बहुत ही अच्छे से रिस्क को डेरिवेटिव्स को उसमें मैनेज करते हैं लेकिन अगर एक सिर्फ रिस्को मीटर से मैं जाऊँ तो जिसको जो रिस्क ले सकता है वो आपका मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेगा और अगेन हाई रिस्क बंधन मल्टी एसेट में भी हाई रिस्क है बट थोड़ा अगर एक किसी को अगर थोड़ा सा कम रिस्क लेना है तो मल्टी एसेट लीजिए और हाँ थोड़ा सा रिस्क लेना है बट अगेन फिर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा हो जाएगी तो मेरे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में जा सकता है तो तो टू ऑल इन्वेस्टर्स सो ये तीनों म्यूचुअल फंड एन एफ हैं वो अभी जनवरी में लाइव हैं या लाइव होने वाले हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी जिस तरीके का भी इन्वेस्टर है और जिस तरीके के भी फंड्स में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो गाइज थैंक यू सो मच वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच